room forever. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है बेसिकली तो वो है रूम टूर पर उमाइजा का। मैं आप लोगों को रूम टूर दिखाने लगी हूँ, आपको उसका रूम दिखाते हैं किस तरीके से मैंने उसको सेट किया है और कैसे हमने डेकोर किया है। इससे आप लोगों को, आपके बच्चों को रूम डेकोर करने में आसानी हो जाएगी, आप लोग इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के रूम में भी। सो बेसिकली ये व्लॉग का जो इंट्रोडक्शन है मैं शूट कर रही हूँ बाहर आके ग्राउंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक पर। तो चलिए व्लॉग को मज़ीद करते हैं कंटिन्यू। उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले व्लॉग की कहीं नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। का इंट्रोडक्शन मैंने बाहर आगे इसलिए बनाया है, मैंने कहा बहुत हो गए इंट्रोडक्शन घर में, अब हम बाहर चलते हैं और कुछ नया लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी ब्यूटीफुल सी फैमिली के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ग्राउंड में आके अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं घर और घर जाके वहीं जाके रूम को चेक करते हैं कि कैसा रूम इसका डेकोर हुआ है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट से करते हैं, यहाँ से मेन डोर है, ये आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम और इस तरफ से एंट्रेंस जो है ये दो रूम्स में जाके शिफ्ट होती है। ये लोबी के साथ इस साइड पे आ जाता है किचन और सामने ही बिल्कुल एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे देखिए आप डोर हैं। ये वाला हमारा रूम था और ये वाला जो था ये उमाइजा का रूम था पहले, लेकिन अब हम लोग ने इसको शिफ्ट कर दिया है, इसको हम लोग ले आए हैं इस साइड पर जो कि हमारा रूम था। सो चलिए मैं आपको ये ओपन करके डोर दिखाती हूँ और ख़ूबसूरत से किड्स रूम का टूर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टन टन, ये देखिए मेरे बच्चों का रूम, माशाल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है कमेंट में भी और फिर मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि कैसी सेटिंग थी रूम की। सो ये है इनका बेड सामने जिस पे मैंने इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी कलरफुल सी ऑरेंज एंड रेड बेडशीट बिछाई हुई है और इस साइड पे इसके ऑपोजिट साइड पर आ जाते हैं इनके सारे टॉय सेक्शन। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके इनके सारे सेक्शंस डिटेल में बताती हूँ। तो मेन डोर के साथ ही इनका आ जाता है पहले किचन एरिया जहाँ पे उमाइजा ने अपना किचन सेट जो है वो कंप्लीट सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका सब कुछ पड़ा हुआ है। इस साइड पे इसकी कबर्ड आ जाती है जिसमें इनके कपड़े हैं बच्चों के और ये आ जाता है उमाइजा का मेकओवर सेक्शन, यहाँ पे इसने अपने मेकअप करने के लिए बैठना होता है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये है बच्चों का हाउस जिसमें इनके इतने सारे टॉयज़ हैं, छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से टॉयज़ हैं जिधर ये बैठ के प्ले करते हैं। और इसके साथ ही इनका ये टेबल आ जाता है, इस पर स्टडी भी कर सकते हैं, अपने पॉपेट के साथ प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये कर लेते हैं। और इसके ऊपर इनके टेडी बियर और मिकी माउस भी पड़ा है। तो इस साइड पर आ जाती है स्लाइड और साइड के पीछे इनका पड़ा हुआ है फ्रिज है जो कि मैंने उठा देना है यहाँ से फ्रिज। तो फ्रिज के साथ मैंने एक और जगह बना देनी है, वो इनका होगा प्रे एरिया जहाँ पे उमाइजा नमाज़ पढ़ा करेगी, इसको नमाज़ बताएंगे हम लोग इंशाल्लाह। सो ये थी इसकी ओवरऑल रूम के लुक, आप देख सकते हैं ये इसके बेड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सोती नहीं है ये, वैसे इसको हमने एज अ गेस्ट रूम भी, इसको हमने बेड जो है एज अ गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है बाकी इनका ये रूम है उमाइजा का, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इसका रूम इस तरह बना हुआ है। तो ये था इसका छोटा सा रूम टूर और आपने मुझे बताना है कमेंट में कि कैसा लगा जो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, किचन सेट, मेकओवर और इसका प्ले एरिया जहाँ पे स्लाइड और इसका हाउस पड़ा हुआ था। चलिए अब चलते हैं बाहर और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में ये कैसा लगा रूम आप। गाइस ये था मेरे बच्चों का खूबसूरत सा प्यारा सा रूम टूर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर लाइक करना है और इसको अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हमारा ये वीडियो ये ब्लॉग देख के शायद कोई आइडिया हो जाए कि वो अपने बच्चों का रूम कैसे सेट कर सकते हैं। सो अब मैं आपके साथ एक क्लिप और शेयर करने लगी हूँ। कल हम लोग गए थे डिनर करने, सो वहाँ से वापसी पे हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए ग्राउंड में। तो वहाँ का एक प्यारा सा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे और यकीन मानिए मैंने अपने जो है चाइल्डहुड टाइम में बिल्कुल भी इतनी फास्ट स्विंग नहीं लिया था जो कि उमाइजा जो थी बेडर होके इतनी फास्ट ले रही थी।
तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए आगे आप लोग वो क्लिप एंजॉय कीजिए। रहान ओके बेटा मैं करती हूँ फास्ट जी फास्ट हाँ पार्क डैडी वॉक कर रहे हैं। अच्छा मैं करती हूँ फास्ट। देखिए रोहान स्लो स्लो लेता है और इसको वो सोता है कि मुझे फास्ट करो। और ये देखिए ज़रा ये देखिए इसके काम बच्ची के ज़मीन से निकली नहीं है और बस इसको फास्ट करो। वाह माइजा भी लॉलीपॉप खा के आई है। सो माइजा की टंग और लिप्स ब्लू हुए हैं। योर टंग एंड लिप्स आर ब्लू। तो ये देखिए इसको मेरा दिया हुआ पसंद नहीं आ रहा था। डैडी को रोक के कह रही है कि मुझे फास्ट करें और इससे मुझे डर लग रहा है कि इतना ये फास्टली ले रही है ये स्विंग। ओ माय गॉड आपको डर नहीं लग रहा? नहीं। ओ माय गॉड रोहान वान इज अ गुड बॉय। या गुड बॉय। ये देखो वान ने अभी ड्रेस डर्टी कर लिया न्यू ड्रेस। आप खाना कम खाते हो और आप ड्रेस पे ज्यादा गिराते हो है ना? ओके इसे ओके। चलिए अब इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत से एंटरटेनिंग फैमिली व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।